हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम कुछ डाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये कौन से डाउट है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है, आपके डाउट्स है जिसके कुछ आंसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दिए हैं। आपको काउंसलिंग करने से पहले इन सारी बातों का जो है वो पता होना चाहिए। बहुत सारे चीजों को इनके अंदर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग तो कर लेते हैं लेकिन काउंसलिंग करते टाइम उधर से उनके सामने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है एट अ टाइम, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उन्हें इस चीज का जो है वो सोल्यूशन मिल पाए, तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पे ढूंढते हैं, कभी गूगल पे सर्च करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं ये नहीं चाहता आपको काउंसलिंग करते टाइम कोई भी दिक्कत या परेशानी का जो सामना करना पड़े। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ सामने डाउट्स लेके आया, कुछ क्वेरीज लेके आया, जो जिनके आंसर मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। इवन इसके जो आंसर है खुद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दिया कि आपको किन किन बातों का जो वो ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चों को कुछ आंसर्स का पता भी होगा लेकिन कुछ आंसर्स इसमें ऐसे हैं जिनका बारे में आपने कभी ना सुना होगा ना आपको पता होगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कुछ मेन मेन डाउट्स ही रखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाउट है वो ये डाउट है कि यार सर, हमारे पास जो अगर मैंने स्टेट वैकेंसी राउंड के अंदर जो पार्टिसिपेट करना है तो क्या मुझे जो रजिस्ट्रेशन है वो कब करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या मैं सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, क्या मैं डायरेक्ट थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो देखो बच्चों, अगर आपको काउंसलिंग करनी ही है तो अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करो या थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करो, फीस तो अपनी उतनी ही लगनी है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपकी फीस कम हो जाएगी, थर्ड राउंड में करोगे तो और कम हो जाएगी। तो मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप काउंसलिंग कर ही रहे हो तो फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट करो, सेकंड या थर्ड में राउंड में पार्टिसिपेट ना ही करो तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो मेजर सबसे बच्चा डाउट आता है कि सर स्ट्रे वैकेंसी के अंदर मुझे पार्टिसिपेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट भी शो हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट में भी आप खुद भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जिन बच्चों को भी स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो उन्हें जो रजिस्ट्रेशन है या तो वो फर्स्ट राउंड में करनी पड़ेगी उसकी, या सेकंड राउंड में, या थर्ड राउंड में। स्टे वैकेंसी के अंदर आप डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपको थर्ड राउंड के अंदर अंदर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, थर्ड राउंड से पहले पहले, ठीक है। यानी कि ये कुछ बच्चे होते हैं कि ये देख लेते हैं कि मुझे थर्ड राउंड के अंदर कॉलेज मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं स्टे वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेट कर लूंगा, तब जाके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लूंगा। तो इसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपको यह रजिस्ट्रेशन है या तो फर्स्ट राउंड में करनी पड़ेगी, या सेकंड राउंड में करनी पड़ेगी, या थर्ड राउंड में करनी पड़ेगी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टे वैकेंसी राउंड में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इस चीज को आप अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस चीज का वेट करते रहते हैं। फर्स्ट में मिल गया ठीक है, सेकंड में मिल गया ठीक है, थर्ड में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सीधा स्टे वैकेंसी में चले जाएंगे, तो स्टे वैकेंसी में फिर आप नहीं जा पाओगे। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सर, जो हमें पेमेंट करनी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वो पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साफ साफ लिखा है कि जो आपको पेमेंट है, आपके पास पेमेंट मोड करने के तीन मेथड दिए गए हैं, या तो आप नेट बैंकिंग यूज करके कर सकते हो, या आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो ये तीन मोड ही उन्होंने आपके लिए ऑप्शन जो अवेलेबल करवाए हैं, इन तीन मोडों के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है पेमेंट करने का। द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, डू आई हैव टू रिपोर्ट टू एनी काउंसलिंग सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। क्या हमें जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा किसी काउंसलिंग सेंटर में रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज साफ साफ मेंशन कर दिया कि नहीं, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं है। तो ऑनलाइन आप कहीं पे भी बैठ के जो है वो अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन इन्होंने एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अगर आप कहीं पे भी बैठे हो, कहीं से भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हो, लेकिन आपने जो रजिस्ट्रेशन करनी है उसके लिए आप लैपटॉप या कंप्यूटर का ही यूज करें। और इस चीज का खास करके ध्यान रखें कि जहां पे आप बैठे हैं वहां पे कोई इंटरनेट की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई इंटरप्ट प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, वहां पे इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो अच्छी हो, ताकि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो वो अच्छे से कर पाओ। तो आपने जिन बच्चों ने भी ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है तो इन चीजों का ध्यान रखें कि वो काउंसलिंग जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर से ही यूज करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फोन का यूज करते हैं। फोन में इनकी कई बार वेबसाइट बहुत ज्यादा लंबी होती है तो फोन में वो वेबसाइट ओपन नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से कुछ ऑप्शंस जो है आपको शो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आपने जो इतनी भी काउंसलिंग करनी है आप किसी कैफे वाले की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की ले सकते हैं, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है अपने किसी रिलेटिव की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का ही इस्तेमाल करें। और साथ में अपनी जो इंटरनेट है, इंटरनेट की फैसिलिटी को डेफिनेटली चेक करें, किसी भी चक्कर में ना पड़े कि वहां पे इंटरनेट कम है स्लो है। तो पहले अपनी पूरी प्रॉपर वेरिफिकेशन करके, तैयारी करके कि इस जगह पे इंटरनेट अच्छा चलता है तो मैं यहाँ पे बैठ के अपनी काउंसलिंग या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। इसके साथ साथ एक और चीज आपकी क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खुद काउंसलिंग नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे पर्सन से काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है। वो बंदा कोई भी हो सकता है, उनके नॉन में भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। तो उस चीज में जैसे कि आपने जो ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए जो फी पेमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया अभी पीछे कि उसके लिए पेमेंट जो आपको तीन मेथड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो जिस बंदे से आप पेमेंट करवाओगे, अगर उसने अपना नेट बैंकिंग
यूज की या आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज किया तो उसके कार्ड से तो पेमेंट चली जाएगी, वो पेमेंट आपसे कैश भी ले सकता है, आपसे ट्रांसफर भी करवा सकता है। लेकिन इन केस कल को अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है या फिर आपकी जब सिक्योरिटी अमाउंट जो है रिफंड होगी तो वो उसी के अकाउंट में रिफंड होगी जिसने पेमेंट की होगी, तो उससे ये पहले ही आप क्लियर कर ले कि कल को अगर मेरी सिक्योरिटी अमाउंट आएगी वो मुझे आपको वापस देनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज का भी पता नहीं चलता लेकिन बाद में वो फिर कॉन्टेक्ट करते हैं जिनसे उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, तो वो चीज से मना कर देते हैं कि हमारे पास तो किसी भी तरह प्रकार की सिक्योरिटी रिफंड नहीं आई है। ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो जब्त हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके हाथ से चली भी जा सकती है। तो इसलिए जिस भी बंदे से आपने काउंसलिंग करवानी है उससे ये पहले चीज क्लियर करवा लें कि मेरी सिक्योरिटी अमाउंट जो रिफंड होगी वो मुझे आपको वापस देनी पड़ेगी। द नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन जो बहुत सारा बच्चे द्वारा पूछा जा रहा है मेरे से, जैसे कि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत सारे बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड सबसे पहला जिन्होंने क्वेश्चन जो पूछा था मेरे से कि क्या सर जो हमें डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम दिखाने हैं या फिर एडमिशन करते टाइम दिखाने हैं। तो देखो बच्चों, इन्होंने यहाँ पे चीज जो है वो साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस करते टाइम कुछ भी शो नहीं करवाना है, वहां पे जितनी भी आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी वही सिर्फ आपको बतानी है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब आपने एडमिशन लेनी है जहां पे आपने रिपोर्ट करना है कॉलेज में वहां पे अपने साथ लेके जाने हैं और सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो फेक या फिर उसकी फोटोकॉपी या जीरोक्स नहीं चलेगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज कि इन्होंने यहाँ पे एक लास्ट लाइन में लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फर्दर अपलोड ए लीगल स्कैंड कॉपी। अगर आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप एक लीगल स्कैंड कॉपी, कैंसिल चेकबुक, बैंक पासबुक, बैंक ई स्टेटमेंट, ये सारी चीजें जो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको जो है वो अपलोड करनी पड़ेंगी। बाकी रही बात डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल लेके जाने, कब लेके जाने, जब आपको एडमिशन मिल जाएगी रिपोर्टिंग करते टाइम, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर आयुष काउंसलिंग 2023। तो वो वीडियो जरूर देखें, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कोई कमी है उससे मैच कर लें, कोई अगर डॉक्यूमेंट मिस है उसको जल्दी जल्दी बनवा लें। एंड द नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, ये क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। इन्होंने यहाँ पे पूछा है वेदर कैंडिडेट्स कैटेगरी विल बी चेंज, क्या कैंडिडेट की कैटेगरी चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एडमिशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इफ ए कैटेगरी कैंडिडेट गेट्स अलॉटेड सीट अंडर यूअर कैटेगरी। ठीक है, तो कैटेगरी जो है वो एक बंदे की क्या, जैसे स्टूडेंट की, क्या वो चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती एडमिशन करते टाइम। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है नो द कैंडिडेट हैज ए वैलिड सर्टिफिकेट, अगर कैंडिडेट्स के पास उसकी कैटेगरी का वैलिड सर्टिफिकेट है तब उसका वो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ही माना जाएगा और उस कैटेगरी के अंडर ही आपको जो है वो सीट अलॉट की जाएगी, तब आपको किसी अदर कैटेगरी के अंदर शिफ्ट नहीं किया जाएगा अगर आपके पास वो वैलिड सर्टिफिकेट है उस कैटेगरी का। ठीक है, अगर कोई भी कैटेगरी हो द कॉलेज हैज टू चेंज कैंडिडेट कैटेगरी टू अलॉटेड कैटेगरी व्हाइल वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी कोई गड़बड़ पाई जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको वेरीफाई नहीं किया जाता है, तब आपकी जो कैटेगरी वो चेंज कर दी जाएगी। अब इसके साथ सर इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट हैपन इफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट चेंजेस द कैंडिडेट कैटेगरी, अगर क्या कॉलेज के पास इतनी अथॉरिटी है कि वह स्टूडेंट की कैटेगरी को चेंज कर सकता है द अलॉटेड कैटेगरी। मान लो वैसे जैसे मुझे है, मुझे ओबीसी के अंदर कैटेगरी के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन जब मैं रिपोर्ट करते टाइम वहां पे गया कॉलेज में तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स दे के मेरी जो कैटेगरी है ओबीसी हटाकर यूआर में कर दी, यानी कि जनरल में कर दी, ओबीसी जो है वो मेरा वैलिड नहीं माना गया, ऐसा क्यों, क्या कॉलेज ऐसा कर सकता है? तो इन्होंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा द कॉलेज चेंजेस अ कैंडिडेट कैटेगरी, सपोज करो किसी कॉलेज ने आपके कैंडिडेट की जो कैटेगरी है उसको चेंज कर दिया, ठीक है, टू द यूआर में, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर ड्यूरिंग एडमिशन करते टाइम, इन दिस केस द कैंडिडेट विल कंसीडर एज ए यूआर कैंडिडेट, तब जो कैंडिडेट है वो यूआर कैटेगरी का ही कैंडिडेट माना जाएगा अगर कॉलेज ने ऐसा कर दिया। बात समझो, अगर कॉलेज वालों ने आपकी कैटेगरी को चेंज करके आपको यूआर में डाल दिया तो आपको यूआर कैटेगरी से ही अब सीट अलॉट की जाएगी। ऐसा क्यों बोला, सब्सिक्वेंटेड राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, तो आगे जितने भी अब आपको राउंड्स करने हैं तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ही करने पड़ेंगे। अगर एक बार जैसे मान लो आपने फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, आप कॉलेज में रिपोर्ट करते टाइम गए, रिपोर्टिंग की आपने कॉलेज में, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, तो वहां पे अगर कॉलेज वाले ने बोला कि आपकी ओबीसी वैलिड नहीं है तो आपको यूआर कैटेगरी के अंदर जो है वो अब एडमिशन दी जाएगी या एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो आगे जितने भी अब आपको राउंड्स में अंदर अपग्रेड करवाना या पार्टिसिपेट करना है, राउंड टू, राउंड थ्री, स्टेट वैकेंसी, तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट ही अब आगे के
पार्टिसिपेट कर सकते हो, अब आपका जो है कास्ट का सर्टिफिकेट वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मैंने बोलता हूँ बार बार, अपने जितने भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपने लेके जाने, कास्ट के कैटेगरी की इवन कोई भी सर्टिफिकेट, वो सारे के सारे आपके वैलिड होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए। तो सारे के सारे चेक कर लो, अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। सब्सिक्वेंट आगे जितने भी राउंड्स है उसके लिए आपको एज ए जनरल ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ द सीट ऑफ देयर कैटेगरी। तो वो अपनी कैटेगरी की जो सीट है अलॉटमेंट उसे हुई है वो उसे नहीं दी जाएगी, ठीक है। हैंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अवेयर ऑफ दिस कैटेगरी चेंज। तो आपको खुद भी ध्यान रखना है कि अगर कोई कॉलेज आपकी कैटेगरी को चेंज करता है तो वो किस रीजन से कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो ये आपने कॉलेज वालों को वहां पे क्वेश्चन करना है रिपोर्टिंग करते टाइम कि अगर कोई कॉलेज आपकी कैटेगरी को चेंज कर रहा है कि यूआर आपकी सीट को यूआर में डाल रहा है तो क्यों डाल रहा है, उसका वैलिड रीजन क्या है, वो सब कुछ आपको जानना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको खुद जो है अवेयर रहना पड़ेगा। बाद में मत बोलना हमें इस चीज का पता नहीं था कि मेरी कैटेगरी तो मुझे जनरल में सीट अलॉट कर दी गई, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये सब चीजें का ध्यान इन्होंने साफ साफ लिखा है, उसके लिए आपको खुद अवेयर रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट नोट आया है। प्लीज नोट दैट इन केस यू हैव जॉइंड द कोर्स कॉलेज अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड, मान लो आपको कोई कॉलेज या कोर्स अलॉट हो जाता है फर्स्ट राउंड के अंदर काउंसलिंग के बाद, एंड नॉट सबमिटेड द ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन, तो वहां पे आप अगर अपग्रेडेशन के ऑप्शन जो है वो सबमिट नहीं करोगे इन द सेकंड राउंड के लिए कि मुझे सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन करवाना है, तो आपको वहां पे ऑप्शन जो है सबमिट करना पड़ेगा। यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन सेकंड राउंड। अगर आपने वहां पे ऑप्शन पे टिक नहीं किया, आपने ऑप्शन वहां पे अप्लाई नहीं किया कि मुझे सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करना है, तो आप जो है वो सेकंड राउंड के अंदर अपग्रेड नहीं कर पाओगे। इन्होंने साफ साफ चीज यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो जिन बच्चों ने को भी फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट होता है तो उनको साफ साफ अपने माइंड में ध्यान में रखना है कि कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर अपग्रेड के लिए जाना है तो उन्हें अपग्रेड का जो ऑप्शन है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये थे आज के सारे डाउट्स। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मेजर कमेंट्स होंगे या मेजर डाउट्स होंगे तो उसके ऊपर हम एक छोटी सी वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट अगर जितने कमेंट्स में उसका रिप्लाई दे देता हूँ, ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ हर बंदे को उसका जो है रिप्लाई मिल जाए। इनकेस नहीं दे पाता तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि आप सबको जो है आपके कमेंट्स के रिप्लाई मिल जाए। तो इसी तरह की सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, काउंसलिंग के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, इवन आपके डाउट्स के रिलेटेड भी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।